ही आइडियोलॉजी की बात की है, एक ही पॉलिसी की बात की है, जम्मू कश्मीर को, यहाँ के तशख्स को, यहाँ की डिग्निटी को, यहाँ की डिग्निटी, यहाँ के लोगों की इज्जत माल जान के तहफ़ के लिए हमने हर हमेशा कहा। यहाँ पे लोगों के खिलाफ जो भी कोई ऑपरेशन होगा, ऑल आउट क्या, आउट एंड आउट, हम उसकी पूरी तरह से मजम्मत करेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे। तो क्या है? बिल्कुल, लोगों के जो एस्पायरेशंस है उनको एड्रेस करने का मौका आ चुका है। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कत्ल गारत, आज जिनोसाइड चल रहा है यहाँ पे, आज हमारे बच्चों को दिन दहाड़े मारा जाता है। एक तरफ से आप कहते हो ये हमारे बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, दूसरी तरफ आप उनको आर्मी के खेप से खेप लेके, ब्रिगेड ब्रिगेड के ब्रिगेड लेके उनको उनका कत्लेआम करते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मुश्तचे तसव्वुर करते हैं तो बच्चा कभी बिगड़ भी जाता है। इसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, फिर किस लिए आप है? तो पहले भी काम किया यहाँ पे, मैं आज की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, जो आर्बिट्री डिसीजंस लेते हैं, जो यहाँ के एस्पिरेशंस के खिलाफ हो जा रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूँ 2014 की सिचुएशन को बहाल करे, जिस वक्त हमने यहाँ सरकार छोड़ी उस वक्त का यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वापस लेके आए। चैलेंज करता हूँ मैं उनको, क्या हमने उस वक्त सरकार नहीं चलाई? क्या उस वक्त ये ऐसे हालात यहाँ पे नहीं थे? अब कौम को पूरी तरह साथ लेके कोशिश की, हालांकि कमियां बेशक रही, उसमें कोई शक नहीं, हम मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें पूरी तरह से यकीन है कि हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के लोगों के दीरीना ख्वाहिशात है उनको मद्देनजर नजर रखते हुए यहाँ काम करेंगे। और क्या रास्ता है यहाँ? आपने देखा यहाँ पे लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग पाकिस्तान के साथ मर्जर की बात कर रहे हैं। आपके पास रास्ता क्या है? आपने हमको एश्योर कराया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटीज और काउंटर गारंटी देके, हम आपके साथ मर्ज नहीं हुए हैं, हमने आपके साथ इलहाक किया है, मशरूत इलहाक किया है, और आपने उसकी धज्जियाँ उड़ाई। हमसे कब जातियाँ हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को सपोर्ट करती है। हमने कब आपके खिलाफ यहाँ बगावत की? आपने हमारे खिलाफ बगावत की, आपने हमारे यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई, मिसट्रस्ट क्रिएट किया, हमने नहीं किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात पर वादाबंद है, जो नारा 370 का 1983 में दिया, वही 370 का नारा उसी पे आज भी कायम। डॉक्टर साहब, अगर उस वक्त हमारा फैसला ऐसा होगा जो कि तारीखी हो।